नगर निगम लुधियाणा ने ता कोई कसर नहीं छड्डी हुई लुधियाने शहर दे पैसे नूं बर्बाद करन दे। मैं उस इंडोर स्टेडियम की गल करता पिया जिहड़ा 10 साल पहला 85 करोड़ रुपए लगा के तैयार होया सीगा, उस जगह ते हर तक मीटर नहीं लग्या। क्यों साडा नगर निगम रोज़ गार्डन के कोल जिहड़ी जमीन हैगी है उत्थे वो दफ्तर बना के वर्ल्ड बैंक नूं देना चाहता है? 5.5 करोड़ रुपए का नुकसान क्यों करना चाहता है? जे किसी ने प्रॉपर्टी वास्ते एनओसी लेनी हो 50 से 55 दिन तो घट में एनओसी मिलती ही नहीं पई। जनता को पुछो, लोगों को पुछो, नगर निगम कारपोरेशन के अधिकारियों को ना पुछो। सिटी बसा पईयां कौन नहीं जाता, शहर दी बसा कंडम कर दित्तियां, वो बसा कहिंदे कबाड़ दे भाव विचनी है। कुछ महीने पहला इन्होंने कूड़ा गिला कूड़ा चकन वास्ते सुक्का कूड़ा चकन वास्ते इन्होंने ई रिक्शा खरीदे, इन्होंने 8.5 करोड़ रुपए दे नगर निगम कारपोरेशन ने खरीदे, लेकिन वो रिक्शा सड़कों पर नहीं दौड़ते पे, वो रिक्शा हंबड़ा रोड के उत्ते वर्कशॉप के 8 महीने तो पे मिट्टी हो रही है, बर्बाद हो रही है। किसी की हवा नहीं है, किसी की गद्दियां पटिया हुई हैं, क्यों पैसे की बर्बादी की जा रही है, कारण की है? अंडरपास चालू करता गया एक हिस्सा, उत्तर लाइटा तक नहीं लगियां, लाइटा तो लगा दित्तियां, राह दे विच सेंटर जी एक पेड़ सी खंभा सी वह भी हटा दिता गया। 124 करोड़ रुपया लगा के यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया, 15 करोड़ रुपया रेलवे ने लेना सीगा। हैरानी वाली गल है, शर्म वाली गल है ये नगर निगम वास्ते कि रेलवे ने अपना काम करता लेकिन नगर निगम कारपोरेशन हले भी शीर दी पाइपा उत्थे लभदा फिरदा वै। हुण नगर निगम तो साडा सही पुछो तो विश्वास खत्म हो चुकी है, हुण उम्मीद की किरण है ता इको एक साडे सीएम भगवंत मान साहब अधिकारी नाल गल करन दी कोशिश कीती कि कारण की दस रहे कोई कारण, असी फाइल भेजी हुई है जी, फाइल भेजी हुई जी, असी नवा एस्टीमेट असी नवी असी कोई चीज़ा चेंज कीतियां वै, असी लंबाई होंदी 29 मीटर की है, उचाई वधाती है, विड्थ होंदी 5.5 तो 7.5 कर दी गई हैगी है। कहनू मानचेस्टर ऑफ पंजाब, कहनू स्मार्ट सिटी, लेकिन हालात देखो, सड़कों का हाल देख लो, तुसी पुलों का हाल देख लो। डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे हो, तुसी मैं हाँ जसनूर तवन, लुधियाना शहर के रहने वाले हो तो इतने पट्टियां सड़कों तो तुसी बेहद परेशान हो गए। पखोवाल रोड के वल जो तुसी जाते हो तो रेलवे ओवरब्रिज अजे भी बनना बाकी है, अंडर ब्रिज बन चुका है, पर लोग बेहद परेशान ने, जिहड़े दुकानदार ने उत्थे उन्हां दा काम ठप्प पिया है और परेशान ने, और जिहड़े आवाजाई उत्थों हुंदी है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो मापिया नूं बड़ी दिक्कत परेशानी का सामना करना पै रहा है। तो इस वक्त साढ़े कोल सच्चा यादव जी इस वक्त साढ़े नाल मौजूद ने जो लुधियाना के अहम मुद्दे चकते रहेंगे ने, तुसीं सोशल मीडिया से इन्हां नूं सुर्खियां दे विच वेखदे हो और अज एक नवा मुद्दा चकण पहुंचे ने और इन्हां दे हाथ दे विच एक तस्वीर है जो उन्होंने पुट्ठी रखी हुई है। सब तो पहले स्वागत करदे और जानना चाहवांगे इस तस्वीर के पिछे की कारण है जो तुसीं हाले तक दिखा नहीं रहे। इस तस्वीर के पिछे मैडम उम्मीद की किरण है, वो उम्मीद की किरण जिहड़ा अज पंजाब दे लुधियाने शहर का, जी हाँ लुधियाने शहर का हर एक आदमी देखता पिया वै, क्योंकि ये तस्वीर है साढ़े अपने सीएम साहब, जी हाँ सीएम भगवंत मान साहब की। वो कहते हैं दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। तो सानू उम्मीद है क्योंकि नगर निगम लुधियाणा ने तो कोई कसर नहीं छड्डी हुई लुधियाने शहर के पैसे नूं बर्बाद करन दे विच। तुसीं देख सकते हो सीएम भगवंत मान साहब समझाओ तो जगाओ नगर निगम लुधियाने नूं पैसे की कीमत। इंडोर स्टेडियम, जी हाँ मैं उस इंडोर स्टेडियम की गल करता पिया जिहड़ा 10 साल पहला 85 करोड़ रुपए लगा के तैयार होया सीगा, ते हुण साडा नगर निगम चाहता वै उस जगह नूं छड्ड के, उस जगह ते हर तक मीटर नहीं लग्या, उस इंडोर स्टेडियम के उत्ते मीटर नहीं लग्या। सोच के देखो वो इंडोर स्टेडियम 85 करोड़ लगा के 400 बंदे की कपैसिटी वाला, 200 कारा की पार्किंग और लगभग 74 दुकाना और कई ऑफिस बनाए गए हैं, और नहरी योजना के तहत मैं कहूँगा कि जो दफ्तर बनना चाहिए वै तो इत्थे बनना चाहिए वै। क्यों साडा नगर निगम रोज़ गार्डन के कोल जिहड़ी जमीन हैगी है उत्थे वो दफ्तर बना के वर्ल्ड बैंक नूं देना चाहता वै? 5.5 करोड़ रुपए का नुकसान क्यों करना चाहता है? सीधे सीधे बचता वै, सीधे सीधे 5.5 करोड़ रुपया, उइयो 5.5 करोड़ रुपया मैं नगर निगम नूं दसांगा और मैं चाहवांगा कि कित्थे लगना चाहिए। उस तो पहला मैं कुछ होर चीज़ें दस दिया, एनओसी अज भी 50 से 55 दिन, किसी को पुछ के देख लो, अज भी जे किसी ने प्रॉपर्टी वास्ते एनओसी लेनी हो 50 से 55 दिन तो घट में एनओसी मिलती ही नहीं पई। जनता को पुछो, लोगों को पुछो, नगर निगम कारपोरेशन के अधिकारियों को ना पुछो। सिटी बसा, जी हाँ सिटी बसा पईयां कौन नहीं जाता, शहर दी बसा कंडम कर दित्तियां, वो बसा कहिंदे कबाड़ दे भाव विचनियां हैगियां वै। हाई कोर्ट च केस चलता पिया और नवे कुछ महीने पहला इन्होंने कूड़ा गिला कूड़ा चकन वास्ते सुक्का कूड़ा चकन वास्ते
NGT जे 100 करोड़ रुपए के मैं कहूँगा जुर्माने के डर तो इन्होंने ई रिक्शा खरीदे वो जो ई रिक्शा से जानते हो वो ई रिक्शा 300 ई रिक्शा इन्होंने 8.5 करोड़ रुपए के नगर निगम कारपोरेशन ने खरीदे लेकिन वो रिक्शा सड़कों पर नहीं दौड़ते पे और रिक्शा हंबड़ा रोड के उत्ते वर्कशॉप के 8 महीने तो पे मिट्टी हो रही है बर्बाद हो रही है किसी की हवा नहीं है किसी की गद्दियां पटिया हुई हैं क्यों पैसे की बर्बादी की जा रही है कारण की है और जोड़ा वो 5 करोड़ रुपया जोड़ा नहरी जो योजना तुम लाना चाहते हो वह पखोवाल रोड से जोड़ा आर ओ बी बनता पिया वै क्यों ना उन्हें लगाया जाए अगर उन्हें लगेगा तो जल्द वह बनेगा और जल्द तो जल्द तैयार होएगा। और हैरानी वाली गल जो ये मुद्दा चक्या उस तो पहला मैं दसना चाहना लोगों कि 2018 के प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के अधीन नगर निगम ने हवाले किया गया नगर निगम ने शुरू किया 2021 जी सी उनकी डेडलाइन दी गई 2021 तो कई डेडलाइन तो डेडलाइन लेकिन किसी ने नहीं पूछा किसी को चिंता नहीं है कि लोग रोज़ मरते पे है रोज़ घंटों घंटों जाम होता पाया वै हालात बत्तों बत्तर और जो आवाज़ चक्की युवा NGO टीम सच्चा यादव ने लगभग 1 महीना पहला तो उत्थे अंडरपास के 1 साल हो गया अंडरपास चालू करता गया 1 हिस्सा उत्थे लाइटां तक नहीं लगियां लाइटां तो लगा दित्तियां राह दे विच सेंटर जी एक पेड़ सी खंभा सी वह भी हटा दिता गया लेकिन जिहड़ी मेन चीज़ सी 124 करोड़ रुपया लगा के ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया 15 करोड़ रुपया रेलवे ने लेना सीगा जिहड़ा रेलवे लाइन के उपर पुल का हिस्सा बनना सीगा रेलवे ने अपना काम पहला कर दिता जबकि रेलवे सेंटर तो मंजूरियां लेनिया पैंदियां हैरानी वाली गल है शर्म वाली गल है ये नगर निगम वास्ते कि रेलवे ने अपना काम करता लेकिन नगर निगम कारपोरेशन हले भी सीर दी पाइपा उत्थे लभदा फिरदा वै हले भी काम बंद हैगा वै ये नलैकी नहीं तो होर की है सो हुण साडा सबर दा बांध टुट गया जिन्ने भी दुकानदार सी किसी दुकाना बंद हो गई रोटी तो मुहताज होए पए है हालात बत्तों बत्तर है उल्टा SIE जान दिओ सोशल इंपैक्ट असैसमेंट के तहत उन्होंने दुकानदारों का मुआवजा मिलना चाहिए सीगा उन्होंने दुकानदारों की खैर खबर लेनी चाहिए सी कि पॉजिटिव की नैगेटिव हो रहा वै जे अज हाई कोर्ट चले जाना नगर निगम के खिलाफ तो कार्रवाई बनती है ये नगर निगम समझता नहीं पाया कि लोगों के नाल की खेल खेडिया जा रहा वै सो अज मैं यही कहूँगा कि उम्मीद की किरण हुण नगर निगम तो साडा सही पुछो तो विश्वास खत्म हो चुकी है हुण उम्मीद की किरण है तो एको एक साढ़े CM भगवंत मान साहब वह भगवंत मान साहब जिन्हों की मदर की जिन्हों की माता जी की मैं इंटरव्यू सुनी सी और इस इंटरव्यू के एक पत्रकार ने तुहाड़े वर्गे एक पत्रकार ने पूछा कि भगवंत मान जी सियासत किवें आए तो उन्होंने कहना सी एक बार मेरा पुत अखाड़ा लाने लिए किसी पिंड च गया तो घर आके डुब्बा मार के रोया कि मां पंजाब के हालात बहुत बुरे हैं और उसी दिन फैसला ले लिया कि मैं सियासत चाहूँगा। देखो एक इमोशनल एक भावुक इंसान ये चीज़ को समझ सकता वै ये चीज़ को समझ सकता सो मैं भी अज वो भावुक वो इमोशनल होकर अपने लुधियाने शहर के डिवेलपमेंट की गल्ला करता पाया मैं इस पुल कंप्लीट करवाने की गल करता पाया बहुत हो गया मान साहब अगर इस पुल हूँ कोई कंप्लीट करवा सकता तो तुसी और तुहाड़ी टीम दे विच एक काबिल इंसान MP जिहड़े हैगे संजीव अरोड़ा जी जिहड़े कि पिछले काफ़ी दिनों तो मैं देखता पाया कि NHI ना मिलकर सेंटर के कभी फ्लाईओवर कभी अंडरपास के नीचे पूरा पूरा ध्यान देते पे है सो मैं चाहूँगा कि संजीव अरोड़ा जी तुसी भी अगर इस चीज़ वाल ध्यान दोगे क्योंकि लुधियाना शहर तुहाडा अपना शहर है संजीव जी अगर लुधियाना शहर के इस प्रोजेक्ट वाल इस फ्लाईओवर वाल इस RUB वाल तुसी ध्यान दोगे और मानसर तक ये पहुँचाओगे आवाज़ तो यह प्रोजेक्ट जल्द तो जल्द बनेगा लोगों का दर्द इस टाइम समझने की जरूरत है कदों तक पूरा हो जाना चाहिए देखो ये प्रोजेक्ट 2021 होना चाहिए 2023 हो चुके हो सो हम उम्मीद की आखिरी किरण साडे रिस्पैक्टेड भगवंत मान साहब मैं चाहूँगा कि इन्हें तक आवाज़ पहुँचे और ये RUB RO BI जल्द तो जल्द बन के तैयार हो क्योंकि आवाज़ अज मेरी नहीं है ये सच्चा यादव की नहीं है कुमार गौरव की नहीं है अज हर लुधियानवी की है उन्हें मैं बेनती करना चाहूँगा तुहाडे चैनल राही कि कल सवेरे 9 बजे सारिया NGOs लुधियाने का हर एक आदमी जो लुधियाने प्यार करता है चाहे धार्मिक समाजिक या किसी भी मौजूदा किसी भी पार्टी तो होवे दोस्तों पार्टीबाजी तो उपर उठ के हूँ आवाज़ चकन की जरूरत है मैं इंतजार करांगा कल सारे अपने कौंसलर का विधायकों का ओपोजिशन पार्टी के लीडर का लुधियाने वासियों का जो लुधियाने प्यार करते हैं 9 बजे इस पुल के थले रेलवे ब्रिज के थले आप सारे इकट्ठे हो जा रहे हैं ताकि ये पुल जल्द तो जल्द बने साड़ी आखिरी उम्मीद CM भगवंत मान साहब अधिकारी ना गल करन दी कोशिश कीती कि कारण की दस रहे बारी कोई कारण असी फाइल भेजी हुई है जी फाइल भेजी हुई जी असी नवा एस्टीमेट असी नवी असी कोई चीज़ा चेंज कीतियां वै असी लंबाई होंदी 29 मीटर की है ऊंचाई वधाती है विड्थ होंदी 5.5 तो 7.5 कर दी गई हैगी है लेकिन मैं एक चीज़ जरूर दसना चाहना कि 1 महीना पहला लुधियाने शहर के एक प्रमुख अखबार छप चुकया हुआ कि पंजाब सरकार ने वो प्रपोजल रिजेक्ट कर दिता हुआ है लेकिन उसके बावजूद हले भी लोगों यही लॉलीपॉप देंदे पे नगर निगम कि जी फाइल भेजी हुई है
सरेआम झूठ क्यों 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 नहीं काम शुरू होता पाया। कुछ तो सोच लो लुधियाना शहर की सड़कों का अज की हाल है, कुछ तो सोचो लुधियाना शहर के पैसे को बर्बाद ना करो। लुधियाना शहर डिवेलपमेंट मंगता है, काम मंगता वै। तुम कहने लुधियाना शहर 32वां रैंक है, कभी जनता को पूछ के देखो जे 132वां रैंक ना जनता देवे तो ताकि लुधियाना बहुत बुरा हाल है। कहन मानचेस्टर ऑफ पंजाब, कहन स्मार्ट सिटी, लेकिन हालात देखो, सड़कों का हाल देख लो, तुम पुलों का हाल देख लो, और लोगों के नित एक्सीडेंट होते पे है। बचा लो मान साहब, अगर तुम बचा सकते हो तो बचा सकते हो, होर कोई इतने सुनने वाला नहीं है मान साहब। मैं तो बस यही गुहार यही बेनती करना चाह रहा। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। सो अच्छ लुधियाना एक अहम मुद्दा चक्रे ने गौरव कुमार सच्चा यादव, क्योंकि जो आप विकास की गल करते हैं, जेकर कोई भी कहता कि विकास हो रहा है, विकास का पैरामीटर जो गल करिए तो सड़क सब तो पहले होंगी है। बच्चों ने पढ़न जाना है, किसी भी दुकान पर जाना है, कोई भी दवाई लैन जाना है, सब तो पहला पैरामीटर ऑफ डिवेलपमेंट इज़ रोड्स। जो सड़क नहीं सही बनिया, जो सिटी का काम नहीं चंगा हो रहा, तो आप विकास वालू नहीं बच सकते। और ये आवाज़ सिर्फ इन्हों की नहीं है, आवाज़ वो हर एक लुधियानवी की है जो अज सड़कों तो बेहद परेशान है। डेवलपमेंट तो कह देंगे कि हो रही है, पर अच हर कोई परेशान, और आवाज़ हर एक दी है जो थोड़े तक लैके पहुँचे ने। तो जरूर ये वीडियो शेयर करो, मुख्यमंत्री तक ये मैसेज पहुँचे, ताकि जल्द तो जल्द इस पर कार्रवाई हो सके, सख्त एक्शन लिया जाए, और जिस प्रॉब्लम लुधियानवी जूझ रहे हैं इसको ओवरकम जल्द तो जल्द किया जा सके। कैमरा परसन अमित खन्ना के नाल जसनूर धवन, डेली पोस्ट पंजाबी।